आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बहुत लंबे समय से भारतीय इतिहास को चोट पहुंचाई जाती रही है। लिब्रांडो इस प्रयास में दो शब्दों को सबसे अधिक प्रयोग में लाते हैं, आर्यन इन्वेजन। आज की वीडियो यदि कोई अंत तक देख लेगा तो मेरी आशा है कि उसके लिए आर्यन इन्वेजन एक कपोल कल्पना बन जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मेरा अनुरोध है कि इसे अंत तक अवश्य देखना। वीडियो में आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे जो कुछ इस तरह हैं। चैप्टर 1 आर्यन इन्वेजन इन ब्रीफ, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग मैकॉले एंड डिस्ट्रॉइंग मैक्स म्यूलर, चैप्टर 3 द सरस्वती पैराडॉक्स, चैप्टर 4 नो हॉर्स लाई, चैप्टर 5 डीएनए स्पीक्स, चैप्टर 6 एस्ट्रोनॉमिकल पजल, चैप्टर 7 आर्यंस वर्सेस द्रविडियन, आर दे रियली डिफरेंट। तो आइए अब पहले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 1 आर्यन इन्वेजन इन ब्रीफ। आज आपको बहुत सी बुक्स और आर्टिकल्स के माध्यम से ये बताया जाता है कि लगभग 1500 BCE में आर्यन रेस भारत आई और यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण कर उन्हें दबा दिया। ये थ्योरी दो बातें मूलतः कहती है, एक आर्यंस यूरोप से आए थे लगभग 1500 BCE के आसपास, और दूसरी 1500 BCE में आर्यंस ने वेदों को रचा था। पर इस थ्योरी का मूल प्रवर्तक कौन है? उत्तर है मैक्स म्यूलर। तो चलिए आज मैक्स म्यूलर के पीछे का सत्य जानते हैं और उसी के द्वारा उसी का खंडन करवाते हैं। चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग मैकॉले एंड डिस्ट्रॉइंग मैक्स म्यूलर। 1835 तक ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि बिना भारतीय संस्कृति को तोड़े वो लंबे समय तक यहाँ टिक नहीं सकते। तब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने भारत को 1837 से ही एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देने का कार्य शुरू किया जिसमें हिंदू ट्रेडिशंस को अंडरमाइन करके क्रिश्चियन मिशनरीज की हेल्प की जानी थी। 1836 में जब मैकॉले एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा था। यह लेटर आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए आपको वो लेटर दिखाते हैं। इस लेटर में टीबी मैकॉले अपने पिता को कहते हैं, आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली, द इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन ऑन द हिंदूज इज प्रोडिजियस, इट इज माय फर्म बिलीफ दैट इफ आवर प्लान्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड अप देयर विल नॉट बी अ सिंगल आइडोलेटर अमंग द रिस्पेक्टेबल क्लासेस इन बंगाल 30 years हेंस। तो यहाँ से आपको मैकॉले की हिंदुओं के प्रति सोच और उसके लक्ष्य की झलक तो मिल ही गई होगी। मैकॉले हिंदुओं को अपनी ही संस्कृति से पृथक करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो वैदिक टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करे और क्रिश्चियनिटी की सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश करे। तब उन्हें मिला फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर को ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा देती थी ताकि वो कॉलोनियल एजेंडा को आगे बढ़ाए। 1866 में मैक्स म्यूलर ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था जिसे एक अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट एडविन ब्रायंट ने अपनी पुस्तक द क्वेस्ट फॉर द ओरिजिन्स ऑफ वैदिक कल्चर में कोट किया है। मैक्स म्यूलर का वह स्टेटमेंट देखिए, द वेदा इज द रूट ऑफ देयर रिलीजन एंड टू शो देम व्हाट द रूट इज द ओनली वे ऑफ अप्रूटिंग ऑल दैट हैज स्प्रंग फ्रॉम इट ड्यूरिंग द लास्ट 3000 years। तो यहाँ से म्यूलर के इंटेंशन की झलक आपको मिल गई होगी। मैक्स म्यूलर की इंटेंशन को अभी और स्पष्ट तरीके से जानते हैं। मैक्स म्यूलर ने उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कुछ पत्र लिखे थे जो आपको पुस्तक द लाइफ एंड लेटर ऑफ द राइट ऑनरेबल फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर में मिल जाएंगे। ड्यूक ऑफ एरगाइल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लिखे पत्र में म्यूलर कहता है, इंडिया हैज बीन कंकर्ड वंस बट इंडिया मस्ट बी कंकर्ड अगेन एंड द सेकेंड कंक्वेस्ट शुड बी कंक्वेस्ट बाय एजुकेशन। वो अपने क्रिश्चियन एजेंडा की पोल खोलते हुए खुद ही कहता है, बट द एंशियंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड एंड इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन हूज फॉल्ट विल इट बी। अब मैक्स म्यूलर खुद का खंडन खुद ही करता है। वैसे तो मैक्स म्यूलर ने वेदों को 1200 BCE का बताया था, पर कालांतर में स्वयं स्वीकार कर लिया था कि उसने केवल तुक्का मारा था। 1891 में मैक्स म्यूलर की एक बुक फिजिकल रिलीजन पब्लिश हुई थी जिसके पेज 91 पर उसने लिखा, वेदर द वैदिक हाइम्स वर कंपोज्ड 1000 or 1500 और 2000 or 3000 years बिफोर क्राइस्ट नो पावर ऑन अर्थ विल एवर डिटरमाइन। एक अन्य पुस्तक द इंडो आर्यन कॉन्ट्रोवर्सी में मैक्स म्यूलर का यह स्टेटमेंट मिलता है, आई हैव रिपीटेडली ड्वेल्ट ऑन द मेयरली हाइपोथेटिकल कैरेक्टर ऑफ द डेट्स विच आई वेंचर्ड टू असाइन टू वैदिक लिटरेचर। मतलब वो खुद ही मानते थे कि वेदों की रचना की डेट बताना असंभव है और उन्होंने तुक्के मारे हैं। ये तो बात थी वेदों की। अब आर्यन रेस जिसे मैक्स म्यूलर ने 20 साल तक छाती पीट पीट कर फैलाया, उस पर वो खुद क्या बोले यह देखते हैं। 1888 में मैक्स म्यूलर की पुस्तक बायोग्राफीज ऑफ वर्ड्स एंड द होम ऑफ द आर्यंस पब्लिश हुई थी। इस पुस्तक के पेज 120 पर वो लिखते हैं, I have declared again and again that if I say Aryas, I mean neither blood, nor bones, nor hair, nor skull. I mean simply those who speak Aryan languages. तो मैक्स म्यूलर ये खुद ही लिखता है कि आर्यंस कोई मानवों की रेस थी ही नहीं। मैक्स म्यूलर का खंडन विश्व प्रसिद्ध एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट सर जूलियन हक्सले ने भी किया था। 1936 में पब्लिश्ड वी यूरोपियंस में सर जूलियन हक्सले ने लिखा था, मैक्स म्यूलर थ्रू अनदर एपल ऑफ डिस्कॉर्ड ही इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोपोजिशन विच इज डेमोंस्ट्रेबली फॉल्स।
रूल्स। सर जूलियन हक्सले ने यह भी लिखा था कि यूएसए और इंग्लैंड की साइंटिफिक कम्युनिटी आर्यन रेस फ्रेज तक का यूज नहीं करती। मैक्स म्यूलर ना तो कोई आर्कियोलॉजिस्ट था, ना साइंटिस्ट था, ना जियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, वो केवल एक लिंग्विस्ट मात्र था। तो किस प्रकार उसकी कही हुई बातों को ऐसे मान लिया गया है जैसे पत्थर पर लकीर। चैप्टर 3 द सरस्वती पैराडॉक्स। सरस्वती नदी सदा से ही आर्यन इन्वेजन का प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के गले की हड्डी रही है, क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार आर्यन 1500 BCE के आसपास भारत आए और 1500 BCE में वेदों को रचा गया। पर प्रॉब्लम ये है कि वेदों में सबसे प्रमुख नदी है सरस्वती, जो 2000 BCE के आसपास सूख चुकी थी। अब अगर ये सरस्वती नदी का अस्तित्व स्वीकारते हैं तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ध्वस्त हो जाती है। तो लिब्रांडुओं ने और कॉलोनियल लोगों ने इसे मिथिकल रिवर कहना शुरू कर दिया। सरस्वती नदी के एग्जिस्टेंस के प्रमाण देखने से पहले सनातन ग्रंथों में इसका क्या स्थान है वो जान लेते हैं। ऋग्वेद 7.36.6 मे द सेवंथ स्ट्रीम सरस्वती द मदर ऑफ द सिंधु एंड दोज रिवर्स दैट फ्लो कॉपियस एंड फर्टिलाइजिंग बेस्टोइंग अबंडेंस ऑफ फूड एंड नरिशिंग बाय देयर वाटर्स कम एट वंस टुगेदर। ऋग्वेद 7.95.1 दिस सरस्वती फर्म एज अ सिटी मेड ऑफ मेटल फ्लोज रैपिडली विद ऑल सस्टेनिंग वाटर्स स्वीपिंग अवे इन इट्स माइट ऑल अदर वाटर्स एज अ चैरियटर। ऋग्वेद 7.95.2 सरस्वती चीफ एंड प्योर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स टू ओशियन डिस्ट्रीब्यूट्स रिचेस अमंग मेनी एग्जिस्टिंग बींग्स। मनुस्मृति 2.17 दैट लैंड क्रिएटेड बाय गॉड्स व्हिच लाइज बिटवीन द टू डिवाइन रिवर्स सरस्वती एंड दृशाद्वती इज कॉल्ड ब्रह्मवर्त। तो यहाँ से स्पष्ट है कि हिंदू ग्रंथों में सरस्वती एक बड़ी और शक्तिशाली नदी रही है। ऋग्वेद में ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए नदियों के नाम भी लिखे गए हैं, जिनके अनुसार सरस्वती यमुना के पश्चिम में बहती थी। पर लिब्रांडो तो कहते हैं कि ऐसी कोई नदी थी ही नहीं। तो आइए अब सरस्वती के प्रमाण देखते हैं। सर ओरेल स्टाइन एक सुप्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे। द ज्योग्राफी जर्नल वॉल्यूम 99 में 1942 में उनकी एक रिसर्च पब्लिश हुई थी। शीर्षक था अ सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इस रिसर्च में उन्होंने मानसूनी नदी घगर को ही प्राचीन काल की सरस्वती बताया है। उन्होंने कहा कि सरस्वती में वैदिक रचनाओं के होने से अब तक बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। उनका कहना है कि मुख्य चेंज प्री हिस्टोरिक टाइम में सतलुज नदी के कोर्स में चेंज आने से आया, क्योंकि पहले यह सरस्वती में जुड़ती थी। इतना ही नहीं, द प्राइड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पेज 77 पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यहाँ लिखा है कि सभी प्राचीन सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसी थी, जैसे इजिप्शियंस नील नदी के किनारे, मायंस मैकेंजी नदी के किनारे। तो क्यों 40% हड़प्पन साइट्स किसी भी नदी के किनारे से कई मील दूर है? यहाँ सरस्वती की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा किया गया है। इसी पुस्तक के पेज 79 पर लिखा है कि 1998 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने पोखरण में एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद सब सोइल वाटर में रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करने के लिए 70 मीटर गहरे होल ड्रिल किए थे। तब उन्हें पता चला कि वो पानी हिमालय के ग्लेशियर्स का है, वो भी 8000 से 14000 साल पुराना। पर वहाँ से तो कोई ऐसी नदी जाती ही नहीं है। इन सब का सटीक उत्तर दिया हमारी इसरो ने। 2013 में लोकसभा में कुछ प्रश्न उठाए गए थे, वो थे एक, क्या भारत सरकार ने सरस्वती नदी को ट्रेस करने के लिए कोई प्रयास किए हैं और क्या इनके लिए कोई कमेटी बनाई गई है? दो, यदि हाँ तो डिटेल्स बताइए। तीन, क्या इस संदर्भ में सैटेलाइट इमेजेस से कोई सहायता मिली है? चार, अगर हाँ तो डिटेल्स बताइए। तब भारत सरकार ने इन प्रश्नों के ये उत्तर दिए थे। इसरो हैज स्टडीड द पैलियो चैनल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड रिलेटेड देम टू चैनल्स ऑफ सरस्वती रिवर। एन इंटीग्रेटेड पैलियो चैनल मैप ऑफ रिवर सरस्वती हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिन इन हिमालयस टू रन ऑफ कच्छ। द ओरिजिन ऑफ मैप्ड कोर्स ऑफ रिवर सरस्वती पैलियो चैनल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज लिंक्ड टू हिमालयन पेरिनियल सोर्स थ्रू सतलुज एंड यमुना रिवर्स। द वर्क ऑन डीलिनी of entire course of Saraswati in northwest India was carried out using Indian remote sensing satellite data along with digital elevation model. Satellite images are multispectral, multitemporal and have advantages of synoptic view which are useful to detect paleo channels. The paleo channels are validated using historical maps, archaeological sites, hydrological and drilling data. It was observed that major Harappan sites of Kalibanga, Banavali, Rakhigadi, Dholavira and लोथल लाई अलोंग द रिवर सरस्वती। तो इसरो भी यह सत्यापित करती है कि सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी। तो अब प्रश्न ये है कि लिब्रांडुओं के पास भी अपना कोई सैटेलाइट वेटेलाइट है क्या जो ये इसरो तक को नकार देते हैं? और अब जब हमें पता चल गया है कि सरस्वती नदी वास्तव में हुआ करती थी,
तो यह स्पष्ट है कि 1500 BCE में कोई आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं, बल्कि वेदों को रचने वाले यहीं के लोग थे। पर एक प्रश्न अब भी रह गया कि क्यों किसी ग्रंथ में सरस्वती के अपघटन की बात नहीं आती, पर महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती के डिमिनिश स्टेट का वर्णन आता है। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 35 और 36 के ये श्लोक देखिए। बलराम सरस्वती नदी के दर्शन करके पुनः पुनः उसकी स्तुति करते हुए वहाँ से विनशनस तीर्थ को आए। हे भरत श्रेष्ठ, जिस स्थान से वह सरस्वती द्वेष के कारण नष्ट हुई, इसीलिए मुनियों ने उसका नाम विनशन रखा है। इतने प्रमाण मिलने के बाद भी जो लोग सरस्वती की एग्जिस्टेंस ना माने और आर्यन इन्वेजन थ्योरी की छाती पीटे, आप उन्हें क्या कहेंगे? चैप्टर 4 नो हॉर्स लाए। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के समर्थक एक और बात पर बोम्बा बोम करते रहते हैं कि प्राचीन भारतीयों के पास घोड़े थे ही नहीं, ना ही हड़प्पन सभ्यता में घोड़े मिलते हैं, और आर्यंस ही यहाँ घोड़े लेकर आए थे। पर सत्य इस क्लेम की भी बखिया उधेड़ता नजर आता है। 1902 से 1928 तक सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। वे कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज के ऑनरेबल फेलो भी थे। 1931 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, नाम था मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। इस बुक के वॉल्यूम 2 के पेज 654 पर उन्होंने एक घोड़े का विवरण दिया है, जिसे उन्होंने मोहनजोदाड़ो हॉर्स और अनाउ हॉर्स कहा है। यहाँ लिखा है, इट इज प्रोबेबल दैट द अनाउ हॉर्स, द मोहनजोदाड़ो हॉर्स एंड द एग्जांपल ऑफ इकोस्कैबुलस ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर ऑल टाइप ऑफ इंडियन कंट्री ब्रेड, अ स्मॉल ब्रीड ऑफ हॉर्स, द अनाउ हॉर्स बीइंग स्लाइटली स्मॉलर देन द अदर्स। डॉक्टर बीबी लाल एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो 1968 से 1972 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के डायरेक्टर का पद भी संभाला है। साथ ही यूनेस्को की कई कमिटीज में वो सम्मिलित रहे हैं। उनकी एक पुस्तक है, द होमलैंड ऑफ द आर्यंस, एविडेंस ऑफ ऋग्वेदिक फ्लोरा एंड फौना एंड आर्कियोलॉजी। इस पुस्तक के पृष्ठ 80 और 81 पर उन्होंने लिखा है, इवन द मच टाउटेड आर्ग्यूमेंट अबाउट द एब्सेंस ऑफ द हॉर्स फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज नो वैलिडिटी in light of the new evidences regarding its presence. The noted international authority on the paleontology of the horse, Sander Bokhny of the Archaeological Institute Budapest, after duly examining the faunal remains concerned, has declared as far back as 1993 that the domestic nature of Surkotra horse is undoubtful. Even Archaeological Survey of India ne 1990 mein ek report publish ki thi, jisme bataya gaya tha ki Surkotra mein 2100 se 1700 BCE के घोड़ों की हड्डियां मिली हैं। पर आर्यंस तो 1500 BCE में आए थे, तो ये घोड़े कहां से प्रकट हो गए? इवन पुरातत्व विभाग बहुत सी हड़प्पन साइट से घोड़ों के अवशेष प्राप्त कर चुका है, जैसे सुरकोतड़ा, लोथल, मालवान, रोपर, कालीबंगा, हड़प्पा, राणागुंडाई, राखीगढ़ी से तो होश दर्शाता हुआ एक टेराकोटा भी मिल चुका है। अब भी अगर कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी का समर्थन करे और कहे कि भारतीयों के पास घोड़े नहीं थे, तो आप उसे क्या कहेंगे? चैप्टर 5 DNA स्पीक्स। आजकल आर्यन इन्वेजन थ्योरी के समर्थक अपनी जुबान पर DNA स्टडी के बैठे हैं। ये बार बार कहते हैं कि वैदिक लोग बाहर से आए हैं, ऐसा DNA स्टडीज कहती हैं। तो आइए अब इसका सत्य भी जान ही लेते हैं। चंद्रकांत पांडे मैसाचुसेट्स बे कम्युनिटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। 16 सितंबर 2005 में उनकी एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, शीर्षक था DNA जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स डिबंकिंग द आर्यन इन्वेजन प्रोपेगेंडा। वो लिखते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कभी किसी कंक्रीट प्रूफ ने सपोर्ट किया ही नहीं है। उनकी रिसर्च में उन्होंने पाया कि mtDNA के कुछ सीक्वेंसेस भारत में रेयरली ही मिलते हैं, और जब मिलते भी हैं तो नॉर्थ इंडिया और साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों में बराबर मात्रा में मिलते हैं, जबकि ये सीक्वेंस यूरोपियंस में नहीं मिलते। इसके साथ कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों में मिलते हैं, पर यूरोपियंस में नहीं मिलते। मतलब यूरोपियंस भारतीयों से अलग हैं और उत्तर और दक्षिण भारतीय सेम हैं। इस रिसर्च में यह भी पता चला था कि नॉर्थ और साउथ के भारतीय कॉमन टिश्यू एंटीजन रखते हैं, जो यूरोपियंस से अलग है। कंक्लूजन में वे लिखते हैं, द स्टार्क लैक ऑफ सिमिलैरिटीज इन द जीन पूल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड यूरोप विविडली एविडेंट इन द mtDNA एंड MHC complex destroys any Aryan invasion notions and confirms the genetic uniformity of people of the Indian subcontinent. Professor Balram Singh, University of Massachusetts, USA में Indic Studies के director रहे हैं। साथ में वो Biophysical Chemistry के professor भी हैं और Botulinum Research Center के director भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2010 में एक book publish हुई थी, नाम था Origin of Indian Civilization. इस पुस्तक के पेज 171 पर लिखा है, Genetic markers को human population की characterization में यूज किया जाता है। ऐसा ही एक उपयोगी जेनेटिक मार्कर है M17। यह भारत व भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में कॉमन है, पर यूरोप में इसका मिलना बहुत रेयर हो जाता है।
साथ ही भारत में इस M17 जेनेटिक कैरियर में अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, अर्थात भारत के लोग यूरोपियन से पुराने हैं। स्टीफन ओपेनहाइमर एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। 2004 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, नाम था आउट ऑफ इडन द पीपलिंग ऑफ वर्ल्ड। इस बुक के पेज 152 पर वो लिखते हैं कि साउथ एशिया इज अल्टीमेट ओरिजिन ऑफ M17 जेनेटिक मार्कर। इसकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भारत और पाकिस्तान आदि में है। वो लिखते हैं, द एज ऑफ दिस लाइन इन इंडिया इज एज मच एज 36,000 ईयर्स, व्हाइल द यूरोपियन एज इज 23,000 ईयर्स। All this suggests that M17 could have found its way initially from India through Kashmir, then via Central Asia and Russia before finally coming to Europe. साधारण शब्दों में ये सभी रिसर्च दर्शाती हैं कि भारत के लोग यूरोप गए, ना कि कोई आर्यन यूरोप से भारत आए थे। बेसिकली जेनेटिक स्टडी भी आर्यन इन्वेजन का खंडन ही करती है। चैप्टर 6, एस्ट्रोनॉमिकल पजल। वेदों में बहुत सी एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं का वर्णन आता है, जैसे कि सोलस्टिसिस और इक्विनोक्स। इस पर प्रकाश डालती है मिशेल डेनिनो की तक द इन्वेजन दैट नेवर वॉज। मिशेल डेनिनो IIT गांधीनगर के प्रोफेसर हैं, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अपनी बुक के पेज 78 और 79 पर लिखा है कि एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर BG सिद्धार्थ फाइंड्स इन द कृष्ण यजुर्वेदा अ क्लियर रेफरेंस टू सोलस्टिसिस अराउंड 8500 BC व्हिच वुड ऑफ कोर्स मेक ऋग्वेदा ओल्डर देन दैट। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हर 25,000 साल में रिपीट हो जाते हैं, तो क्लियरली वेद 8500 BC से भी पुराने हैं, पर कितने पुराने हैं ये कोई नहीं बता सकता। तो आर्यंस की 1500 BC में भारत आकर वेदों के रचने की बात यहाँ भी झूठी ही सिद्ध होती है। चैप्टर 7, आर्यंस वर्सेस द्रविडियन, आर दे रियली डिफरेंट। ब्रिटिशर्स ने येन केन प्रकारेण भारतीयों को दो भागों में बांटा, आर्यंस एंड द्रविडियंस। पर क्या ये भिन्न है? अभी तक मैंने आपके सामने हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक प्रमाण रखे हैं, अब तर्क लगाते हैं। द्रविडियंस की प्रमुख भाषाएं हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। इनमें सबसे प्राचीन है तमिल, और तमिल ट्रेडिशन में अगस्त्य ऋषि को तमिल लैंग्वेज का जनक माना जाता है, और अगस्त्य ऋषि एक प्रमुख वैदिक ऋषि थे। ऋग्वेद के 1.165 से 1.191 तक सभी मंत्र इन्हीं की देन है। तो अब आप स्वयं सोचिए कि क्या आर्यंस और द्रविडियंस अलग हैं? आशा है आपने वीडियो पूरी देखी होगी और कॉलोनियल लोग और लिब्रांडुओं के आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर फैलाए गए भ्रम से आपको मुक्ति मिल गई होगी। आगे भी ऐसे ही भ्रम टूटते रहेंगे, और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्य में जयते। जय श्री हरि।